बच्चों का भविष्य बनाते बनाते शिक्षक अब हथियार भी बनाने लगे हैं। दरअसल बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बेगूसराय जिले से भारी संख्या में हथियार बरामद किए हैं। बता दें, बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। इस दौरान मौके से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित बंदूक एवं पिस्टल भी बरामद किए गए। साथ ही साथ बनाने वाले कई उपकरण भी पुलिस ने बरामद कर लिए और मौकाए वारदात से 9 लोगों को भी गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एसटीएफ पुलिस और बेगूसराय पुलिस के द्वारा लाखों थाना क्षेत्र के लाखों 55 टोला में की गई है। इस दौरान फैक्ट्री के संचालक राजकुमार चौधरी, जो कि पेशे से शिक्षक है, साकिन हाजी सुजान, अजय कुमार चौधरी, ये भी पेशे से शिक्षक है, साकिन सुतरखाना, प्रवीण कुमार ताती, साकिन मुबारक शक, मोहम्मद इकबाल, साकिन हजरतगंज खनका, अमित कुमार चौधरी, अशोक चौधरी एवं कुरियर में काम करने वाली 3 महिला सहयोगियों को हिरासत में ले लिया गया है। बरामद सामान में एक लेंथ मशीन, एक मिलिंग मशीन, एक ड्रिल मशीन, एक ग्राइंडर मशीन, कटर मशीन, एक अर्धनिर्मित पिस्टल 12, बैरल 24 पीस, मोबाइल 6 पीस, मोटरसाइकिल 2, नगद रुपया 18,000 बरामद किए गए हैं। बेगूसराय जिले से अनुप कुमार की रिपोर्ट। संयुक्त कार्रवाई की है, इसमें एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है पुलिस ने। यहाँ भारी मात्रा में कट्टा बंदूक और अवैध हथियार बनाने के कई मशीनें पुलिस को मिली हैं। ये सभी मशीनें और जो भवन जहाँ पे सब चल रहा था, पुलिस ने उसको जब्त कर लिया है और मशीनों को सील कर लिया है। कुल 9 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। देखिए, इसमें लगातार हम लोग को सूचना मिल रही थी कि लाखों थाना क्षेत्र के एक पर्टिकुलर जगह पे एक बिल्डिंग है जहाँ पे कि इस टाइप की कुछ सस्पेक्टेड एक्टिविटी हो रही है। तो एसटीएफ के साथ मिलकर हम लोग ने उस इन्फॉर्मेशन को पहले डेवलप किया और कल सही समय पे घेराबंदी करके जब वहाँ छापेमारी की गई तो कुल 9 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। और वहाँ पे एक ड्रिल मशीन मिली है, एक लेथ मशीन मिली है, कटर मशीन, ग्राइंडर मशीन, वहाँ पे 24 बैरल मिले हैं अर्धनिर्मित, 12 अर्धनिर्मित पिस्टल मिली हैं, कटर मशीन, ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन, मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, ये सबके एक एक पीस मिले हैं वहाँ पे। हमें वहाँ से 18,000 रुपये नकद भी मिले हैं, जो कि जिस व्यक्ति को इन लोगों ने बेचा था उससे जो पैसे आए थे अभी हाल फिलहाल में, वो 18,000 रुपये भी पुलिस ने जब्त किए हैं। मोटरसाइकिलें 6 मिली हैं और 2 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में मैं आपको बता दूं कि जो सबसे मेन मास्टरमाइंड है, इसमें 2 लोग हैं। एक का नाम है राजकुमार चौधरी, ये कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षक हैं मुंगेर में, और दूसरे का नाम है अजय कुमार चौधरी, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षक के रूप में काम करता है मुंगेर में। इसमें जो बाकी के 3 लोग, अन्य जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक का नाम है प्रवीण कुमार ताती, ये मुंगेर का है, मोहम्मद इकबाल, ये भी मुंगेर का है, अमित कुमार चौधरी और अशोक चौधरी, ये सब भी मुंगेर के ही रहने वाले हैं। इसमें जो 2 मास्टरमाइंड है, राजकुमार चौधरी और अजय कुमार चौधरी, ये आपस में रिश्तेदार भी हैं और आज से करीब 1 साल पहले ये लोग पश्चिम बंगाल के चितरंजन जिले में भी इसी प्रकार की फैक्ट्री चला रहे थे, आर्म्स फैक्ट्री, तो वहाँ भी पुलिस ने इन लोग को अरेस्ट किया था, वहाँ से लोग जेल गए थे और इस समय ये लोग उस केस में बेल पे हैं। और अभी इन लोगों ने करीब यहाँ पे कुछ महीने पहले ही यहाँ पे ये काम स्टार्ट किया था। तो इन लोगों की गिरफ्तारी से एक बहुत बड़े रैकेट का उद्भेदन हो गया है। इन लोगों ने कितने लोगों को हथियार बेचा, कितना पैसा अर्जित किया, उसकी भी सारी जानकारी पुलिस ने पता कर ली है और हमारी विशेष छापेमारी टीम अब उन लोग की भी गिरफ्तारी के लिए निकली हुई है इस समय। तो इन लोगों की गिरफ्तारी से एक बहुत बड़े रैकेट का उद्भेदन हुआ है, वरना आने वाले समय में ये लोग इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हथियार सप्लाई कर सकते थे जिससे अपराध की कोई बड़ी घटना यहाँ पे अंजाम दी जा सकती थी। तो इस पूरे क्रिमिनल गैंग की गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है पुलिस को और हमारा जो लाखों और बलिया का जो क्षेत्र है, स्पेशली मुंगेर से भी जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है और हमारा जो शहर का क्षेत्र है, तो उस सबको सुरक्षित रखने में हम लोग को और मदद मिलेगी। और इन लोगों का और किन किन राज्यों में और किन किन जिलों में आपराधिक इतिहास है वो भी हम लोग पता कर रहे हैं इसमें। तो एसटीएफ की टीम ने और हमारी जिला पुलिस की टीम ने एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। इसमें एसएचओ लाखो, एसएचओ मुफस्सिल, हमारे सर्कल इंस्पेक्टर सदर मदन और हमारे टेक्निकल सेल की सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और रंगे हाथों मशीन सहित और ये सारी चीजों के साथ इनको जब्त किया है। मैं अपनी तरफ से पूरी टीम को पुरस्कृत करूंगा। देखिए, आप देख सकते हैं कि अर्धनिर्मित जो पिस्टल होती है उसका कवर इन लोगों ने बनाया है, बैरल बनाया है और जो उसकी बॉडी होती है वो भी बनाया है। हम लोगों ने जब फैक्ट्री में छापेमारी की थी, मैं भी वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे ये लोग ड्रिलिंग के थ्रू जो कच्चा लोहा होता है, ये लोग कच्चा लोहा जहाँ से लाते थे वो बैकवर्ड सोर्स भी पुलिस ने पता कर लिया है और किन किन ट्रांसपोर्टरों ने इनको यह सामान सप्लाई किया वो भी पुलिस ने पता कर लिया। तो उसमें लगातार ये लोग रात दिन उसमें ड्रिलिंग करते थे मशीनों के थ्रू, उसके बाद उसको ये आकार देते थे।
इसका नेक्सस अपने स्टेट तक ही है। देखिए इसका नेक्सस बाकी जगहों में भी है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं ये लोग सब लोग पहले पश्चिम बंगाल में और मुंगेर में भी इस प्रकार के हथियार बनाने का काम करते थे। ये लोग कारीगर के रूप में ट्रेंड कारीगर हैं और इन लोगों ने यहाँ कुछ महीने पहले यहाँ पे ये चीज़ें मशीनें सेकंड हैंड मशीनें थी वो सब। इन लोगों ने बताया कि कोलकाता से इन लोगों ने 4 से 5 लाख रुपए लगा करके वो मशीनें सेकंड हैंड खरीदी थी और अब 4-5 महीने पहले ही यहाँ पे ये सब सेटअप किया था। सर इसमें फीमेल अभियुक्त भी कुछ है क्या? जब वहाँ पे हम लोग ने छापेमारी की तो इसमें जो 4 लोग मिस्त्री के रूप में काम करते थे इनके परिवार के यानी पत्नी भी वहाँ पे रहते थे। वो लोग इन लोगों को खाना सप्लाई करते थे, इस पूरी फैक्ट्री को चलाने में वो लोग मदद करते थे, उनको भी पूरी जानकारी थी। इसलिए पुलिस ने यहाँ पे कड़ा कार्रवाई करते हुए उनको भी गिरफ्तार किया है। साथ में उस बिल्डिंग की जो मकान मालकिन है और उसकी जो बेटी है उनको भी पूरी जानकारी थी और वो लोग इन लोग से महीने का किराया भी लेते थे ये सब चलाने का। तो उन लोग को भी हम लोग ने दोषी पाया है, उनको भी पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेजा है। सर ये जो मित्रा जो गन फैक्ट्री का जो संचालित हो रहा था वो कब से चल रहा था और शहर से सटे हुए इतना बड़ा कारोबार चल रहा था तो पुलिस को अब तक भनक क्यों नहीं लगी थी? देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि ये लोग 5 महीने से यहाँ पे काम कर रहे थे और जिस बिल्डिंग में ये चल रहा था वो रोड से थोड़ा दूर में थी और ये लोग कुछ इस प्रकार से काम करते थे कि शोर शराबा बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता था। लेकिन वहाँ से कुछ सस्पेक्टेड एक्टिविटी पुलिस को मिल गई थी काफ़ी पहले, तो उसके बाद हम लोगों ने उस इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया और हम लोग ने समय लिया ताकि हम लोग चाहते थे इन सबको रंगे हाथों पकड़े और ये बड़ी सफलता इसमें मिली है। ये सबकी गिरफ्तारी यहीं से हुई है, लाखों से ही जहाँ पे ये फैक्ट्री चल रही थी सबकी गिरफ्तारी हुई थी। देखिए पूछताछ से ये पता चला है कि जो मकान मालिक है उससे ये लोग ने जो ये जो फैक्ट्री लिया था उसको तो यही कहा था कि हम लोग यहाँ पे कुछ मशीनों के कलपुर्जे बनाएंगे, लेकिन जांच पर ये बात स्पष्ट हो गई थी कि उनको जानकारी थी कि यहाँ पे अवैध धंधा ये लोग चला रहे हैं। ये लोग महीने का 25,000 रुपया किराया भी लेते थे इन लोगों से जो मकान मालिक है। तो ये हो ही नहीं सकता है कि ऊपर आपका परिवार रह रहा है मकान मालिक का और नीचे वाले कमरे में ये सब गोरख धंधा चल रहा है। तो हम लोग ने उनको भी दोषी पाया है, मकान मालकिन को अरेस्ट किया है, मकान मालकिन की बेटी को अरेस्ट किया है और इस मामले में मकान मालिक जो है वो दिल्ली में रहते हैं, नौकरी करते थे, रिटायर हो गए, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम अब यहाँ से निकलेगी।